का जो ऊपर का टाइगर खत्म करेगा ऐसे ही रहेगा घूम फिर कर रहा हूँ उसके ज़्यादा क्या होता है थोड़ी रॉनी तो कोई और एजेंसी का रहेगा घूम गया था अभी थोड़ी देर पहले तो वापस एक बार फिर से बिग बॉस आने वाला है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो आ गया है तो आइए चलिए हम आपको बिग बॉस का घर दिखाएं इस बार का थीम है पहले उठने वाला ये ले लिया ना बंदर वंदर एक मिनट वो भी देख बेडरूम के लिए नहीं नहीं अंदर ही जा रहे हैं ना अभी नहीं मैं रुक गया I like your shoes, huh? Woman, I just need... अच्छा बना है सॉलिड है यार नहीं सलमान को से लगा है पीछे आएगा ना चल अंदर ही चलते फिर ये इधर आते फटाफट फोटो सेशन कर लेते हैं
शॉट्स ले लिया ना इतना चलेगा खत्म का क्या करना आपको अब अच्छा ना ये लॉक करके पता नहीं कितने रहस्य छुपाए हैं बिग बॉस 15 में और हर एरिया को कुछ एरिया को लॉक करके रखा है नहीं देखने दे रहे हैं बट अनश्योर लॉक किया है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा या तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा या तो रिवील नहीं कर दूंगा दो ही चीजें होंगी एंड अगेन दिव्या जी कौन है Oh, it's a completely mind-blowing thing because we've been doing this for so many years. This is the first time a garden becomes a jungle. Okay, and yes, everybody's seen the Bigg Boss OTT, and to change it within 1 week, it was like crazy thing. And jungle has to be look pretty, but yet daravna, yet the mosquitoes and the keedas should come. So obviously the bandars though as it is are there, but you know the jungle banane ke liye ek normal jungle nahi bana rahe. Hum thoda aesthetically bhi karte hain. Isliye raat ko ye jungle अलग एक रूप दिखाता है अपने को यू नो द लाइट्स जो आ रहा है एंड द बेस्ट पार्ट ओवर देयर इज द विश्व सुंदरी ट्री ओ इट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई पूरी जान डाल दी मतलब अनीता ने बोला क्रिस्टल्स लगाओ इसके ऊपर यू नो मिर्ची लगाओ एंड इट हैज़ लुक ब्यूटीफुल बट हाँ अगर आप देखोगे जो वो एक पूरा एल जो दिख रहा है ये हम अंदर आ गए हैं एक बाहर का एरिया है एक अंदर का एरिया एंड बिग बॉस का मेन घर वो दूसरी जगह है वहाँ लग्जरी है यहाँ लग्जरी नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल है और यू नो ये था कि डिज़ाइन करते वक्त हम कितना उसको यू नो जंगल मतलब कीचड़ उचड़ डालना है वैसा तो है नहीं लेकिन प्रिटी लगना चाहिए तो प्रिटी की वजह से हम हर जगह से लाइट्स लटकी हुई हैं अवतारिश फील आएगा रात को पूरा ग्लो होने वाला है यू नो तो वो ब्यूटीफुल चीज़ मैं उसके लिए रुका हूँ आप दिन में आ गए लेकिन रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होता लेकिन सिर्फ उसको टीवी पर कैसे दिखेगा उस पर है यू नो लाइटिंग कैसे करेंगे इस टाइम हमने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है पता है एक्स्ट्रा लाइट लगाई है कि बिकॉज हम रात को वैसे लाइट नहीं करते रात को हमेशा वही लाइट थोड़ा डिम हो जाता है इसमें हर ट्री बात करेगा मतलब ट्री बात करने वाला एक ही है जो विश्व सुंदरी है लेकिन जो लाइट्स लगा रहे हैं जो डैपल इफेक्ट आएगा फ्लो पर ऐसे लगेगा कि आप रियल जंगल में हो यू नो और उनको ये भी है कि हम अंदर तो जा नहीं सकते बाहर कहाँ सोएंगे यहाँ सोएंगे बाहर कहाँ सोएंगे किस पर सोएंगे वो भी पता नहीं है तो वहाँ रख के हर चीज़ वो देखेंगे यू नो लाइट कौन सा है और जैसे मैं बता रहा था कि अवतार फील जो होता है ना बिकॉज अवतार एक कर लिया तो उस हिसाब से एवरीथिंग इज ओवरग्रोन देयर इज एन ऑस्ट्रिच देयर इज अ चिंपैंजी द लिजर्ड्स द कैमेलियन सब डाल दिया है और वहाँ छोड़ के घर में भी हमने एनिमल्स डाल दिए तो ब्यूटीफुल हियर एंड हियर थोड़ा डरावना बट एनी संकट दैट यू एडेड इन द जंगल वो खुफिया हैं और वो खुलने पर ही आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है हर जगह आप जा नहीं सकोगे तो जहाँ जहाँ नहीं जाओगे वो खुफिया जगह है वो एग्जैक्टली आपने जो पूछा बहुत ही ये होता है कि हम अगले साल क्या करेंगे अभी से सोचने लगते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होंगे लेकिन क्या ना एक्साइटमेंट इतना होता है ना तो इट्स लाइक माय ओन हाउस यू नो मैं देता हूँ बिग बॉस मेरी तरफ से आपके लिए घर है तो उतने ही प्यार से हम बनाते हैं मतलब जी जान लगाते हैं आप अगर देख रहे भी हो तो अभी आप आने से पहले ये जो पत्ते फेंके हुए हैं तो जंगल में कैसे पत्ते फेंकते हैं वो भी हम सोचते हैं तो डिज़ाइन करते वक्त मज़ा ये आता है कि और क्या दिखाएं हर साल हम करते जा रहे हैं ओटीटी कर रहे हैं मराठी कर रहे हैं बिग बॉस कर रहे हैं अब ब्यूटीफुल चीज़ है थीम आ जाता है तो इजी पड़ता है डिज़ाइन करने में लेकिन ये भी होता है कि अगले साल से बेटर अगले साल का मेरा फैंटास्टिक था दिस थिंग आई थिंक ये मेरा सबसे बेस्ट सेट है यू नो जब वनीता भी आती है हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं एंड लाइक मैंने बोला कि मैं जानवर लगाएंगे तो वनीता बोली जानवर नॉर्मल तो क्या होगा चलो उनको विंग्स लगा दिए तो ये थीम इस टाइम का बन जाता अपने आप बन जाता है यू नो लाइक कम फ्लाई विथ मी इज़ अ थीम और एनिमल्स एंड द विंग्स इसको मिला के अच्छा चलो अभी सब जगह बैठ सकते हैं अब जब अंदर जाओगे तब आपको दिखाएंगे कि विंग्स का क्या यू नो असर पड़ने वाला है इस पूरे सीजन में और कितने कैमरास होंगे सिर्फ जंगल थीम के अगर हम बात करें
इस टाइम हमने ज़्यादा लगा दिए हैं. ओके, लास्ट टाइम तो 90 के ऊपर थे, इस टाइम तो आई थिंक ज़्यादा ही लग गए. लाइट्स वाइट्स सब चीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया है, बिकॉज दिस द होल ब्यूटी ऑफ दिस सीजन इज द जंगल. यू नो, जंगल में क्या मंगल होने वाला है वो आप तो देखते रहोगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, एक्स्ट्रा सबको प्रूव करने जा रहे हैं हम. उमंग मेन हाउस और जंगल, अगर आपको रहने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ रहना चाहोगे? जब तक OTT बना था तब मैं मेन घर देख रहा था, लेकिन अभी जंगल देखिए इतना प्यार आ रहा है मुझे कि मैं उधर ही रहने वाला हूँ. लेकिन हाँ, रात में रहा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला उधर. लेकिन द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द जंगल इज लाइक, यू नो, रोमांस है उसमें, यू नो, ट्री बोल रहा है, तो कुछ कुछ यू नो एग्जॉटिक क्वालिटी है उस जंगल में. ओके, वास्तु का कितना ध्यान रखा है इस बार आप लोगों ने घर के लिए? ओ देखो, वास्तु मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर वास्तु के हिसाब से हम रीअरेंज कर देते हैं, या तो कुछ यू नो चेंज हो जाता है. अब वास्तु अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, झगड़ा करना है वो नहीं, वो मुझे पता नहीं, मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, बाकी के जो सब काम है वो उधर आके करते हैं वास्तु. सुंदरी, हाँ, मेरे को एक ब्यूटीफुल ट्री चाहिए था जो विश्व सुंदरी जैसे लगे, तो इसलिए हमने वही कोशिश की है कि आवाज़ किसी भी हो, लुक इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि इट विल सूट द वॉइस. ओके, एंड उस हिसाब से द क्रिस्टल्स आर हैंगिंग, द मिर्ची लाइट्स आर हैंगिंग, यू नो, थोड़ा अथीरियल जब बात भी होगा तो इट्स लाइक ये ट्री बात कर रहे हैं. तो उस हिसाब से डिज़ाइन तो हमने कर लिया है, आवाज़ तो आपको पता ही होगा कौन बात करने वाला है, कैसे बात करने वाला है. You want to talk about the main house here or go in? We can talk here only because वहाँ पूरा ये है. Okay. So, so Umang, tell us how different is the main house compared to the jungle? बहुत luxurious दिख रहा है हमें, but आप बताओ. Main house is basically luxury 10 times more. Okay, not even luxury, it's beautifully swanky thing. अब swanky में हम अपना डाल देते हैं तो obviously हर चीज़ stand out होएगा, छोटी से छोटी चीज़ वहाँ stand होगी. देखते हैं आप लोग कौन जाके एक चीज़ पकड़ेगा, जो एक चेस बोर्ड है, आप सोचो वो चेस बोर्ड कैसे लगाया मैंने. अब वो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं. बट येस, द किचन इज swanky, इट्स ब्यूटिफुल ग्लास मिरर्स. एंड ये क्वालिटी क्या होता है ना, जब मैं आर्ट डायरेक्शन करता हूँ तो वनीता जो प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं उनका माइंड कैसे चेंज होता है मेरे पर, तो उसमें द कॉम्बिनेशन वर्क्स सो ब्यूटीफुली कि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं. हमको चाहिए था एक ऐसा किचन जो एकदम ब्यूटीफुल लगे, दैट्स व्हाई द फेसेस केम इन. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टैग, द रेड स्टैग इज सो ब्यूटीफुल. यू नो क्या होता है ना, हम अपने आप, हमारा घर है, कंटेस्टेंट भी हम ही बन जाते हैं. अगर मैं इधर बैठा हूँ तो क्या देख रहा हूँ मैं, अच्छा ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, इससे बात होगी तो उसमें कंटेंट मिलता है. एंड लग्जरी वाइज द बेडरूम इज स्वैंकी. एंड हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स अंदर आ गए हैं. ओके, हर जगह एनिमल्स के लैम्प्स है, शैंडलियर्स है, सब चीज़ है. एंड विंग्स, विंग्स जैसे आप बाहर देख रहे हो, सेट पर भी देखोगे, मेन शो में भी देखोगे, हर जगह विंग्स लगा दिए. तो क्या क्या विंग्स हो सकते हैं वहाँ? ओके, जैसे मतलब छोटी छोटी जो फेसेस है उधर, यहाँ विंग्स है, द बिग विंग्स ओवर देयर, बेडरूम में बड़े लायन के विंग्स है. तो उस हिसाब से लग्जरी, बट इन अ वे दैट द एनिमल्स हैव कम इन, तो दैट्स व्हाई. एंड इट्स वेरी चक चक कड़क, बहुत सारे लाइट्स यूज किए. आई मीन द वे आई एम टॉकिंग ना, आई एम सो एक्साइटेड, लाइक यू नो, आप जाके देखो, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स स्वैंकी, इट्स स्वैंकी, आपको देखने नहीं मिलेगा अभी, लेकिन इट्स स्वैंकी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स यू नो लग्जरी 10 टाइम्स फोल्ड, इट्स रॉयल, इट्स रिच, दैट इज व्हाट इट इज. देखो हर छोटी चीज़ होना पड़ता है, बिकॉज इतना फिनिकी है हम लोग ना, कि अगर ड्रॉ खोलें तो उसके अंदर कचरा नहीं दिखना चाहिए, बॉर्डर बराबर होना चाहिए, क्रिस्टल खड़े हैं तो कितना होना चाहिए, सर पर लगे तो क्या लगेगा, यू नो, बल्ब आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, बिकॉज ए डायरेक्शन के हिसाब से मैं देखता हूँ. अगर आदमी कोई बैठा है तो क्या है, तो हम कैमरा लेके देखें, हाँ दिस अ ब्यूटीफुल फ्रेम, दिस अ ब्यूटीफुल फ्रेम, हाँ ट्री के साथ में ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब लोग बैठे हैं तो उसके पीछे क्या है, तो वो सब ध्यान देना पड़ता है और वो यू नो इनबिल्ट आ जाता है. पर जो छोटी छोटी जो डिटेल जो छोड़ देते हैं हम, वो मैं कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़ता हूँ. यू नो ये बाद में 2 महीने के बाद, अरे यार ये तो देखा ही नहीं, ये ऐसे कैसे कर दिया, तो वो मज़ा जो होता है ना, मैं जब टीवी पर देखता हूँ उसका मज़ा अलग होता है. कौन सा एक घर का कॉर्नर है जो आपको लगता है इस बार हाईलाइट होगा? हाईलाइट, आई थिंक द विंग्स विल बी हाईलाइटेड ओवर देयर. एंड यहाँ जब देखोगे तो विश्व सुंदरी है. एंड द पूल हमने एक डिफरेंट टाइप कर दिया है, जो ब्रिज लगा दिया है, तो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड मज़ा ये है कि रात का जो हमने लाइटिंग इस टाइम किया ना, इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट बी द नियॉनिश फील आ जाएंगे, ये सब ग्लो होने वाले, ये सब पूरे जो दिख रहे हैं ना, इसके यहाँ पूरे फ्लोरोसेंट ये पेंट लगे हुए हैं, तो रात को बात करेंगे जैसे कि नो क्रिकेट से. एंड हम लोग साउंड इफेक्ट भी डालने वाले, तो वो मज़ा आएगा. ओके,
मेन हाउस आई थिंक द किचन स्टूड आउट वेरी ब्यूटीफुली. ओके आई मीन पिक्चर परफेक्ट किचन है एंड उसमें टेबल भी इतना ब्यूटीफुल है, द चेयर्स आर ब्यूटीफुल. सो ये मैंने हमने पहले नहीं किया है तो देखने के लिए ना. एंड द मिरर्स हमने पहले ऐसे लगाए नहीं थे, मिरर दिख रहे हैं हम लोग जो अंदर है. ये मिरर किचन ब्यूटीफुली स्वैंक ब्लैक एंड व्हाइट नॉट मच कलर्स एंड से एक रेड स्टैक. आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट. मेन हाउस बेडरूम इज अ नाइस स्वैंकी थिंग. ओके इट्स येलो एज द थीम एंड एनिमल्स ऑल ओवर. देर आर दीज पीपल हु आर गेटिंग आउट एज इन दीवार में घुसे हुए हैं तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो सब अगर आप जाके देखोगे तो वो सब देखना. ओके वॉशरूम एक ही है. सॉरी हाँ वॉशरूम एक ही है. वॉशरूम इज द जंगल थीम एंड दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग ऑफ यू नो अंदर जाते बिकॉज इतना टॉकिंग होता है, इतना प्ले यू नो बात करते हैं उधर, मेसी भी कर देते हैं तो लगेज एरिया भी है. बट हाँ जंगल थीम कंटिन्यूड ओवर देयर है तो बाथरूम भी वैसे ही है एंड ब्यूटिफुल लैम्प्स ओवर देयर, द रूट्स आर क्लाइंबिंग ऑन टॉप यू नो. तो और उसमें भी वेलीज जो गए हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस. Umang, if you have to rate the house, how much score would you give it? From 100 to 100. I think it's the beautiful, the best set that we've done so far. Thank you so much. Thank you.